हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्कूल खुल चुके हैं और अब आपकी पढ़ाई भी प्रारंभ हो गई है। तो उसी क्रम में आप लोगों को, अगर आप पढ़ाई प्रारंभ करना चाहते हैं तो बच्चों, आप लोगों को सिलेबस पता होना बहुत ही आवश्यक है। तो हम देख लेते हैं कक्षा दसवीं का जो बोर्ड क्लास है उसका सिलेबस। इस साल बहुत कुछ चेंज किया गया है। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आपका DSR फॉर यू में वेलकम करता हूँ। देख लेते हैं बच्चों, सबसे पहले आपका ये हिंदी विषय है, तो देखें सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोग देखें, जैसे क्षितिज में खंड में 17 नंबर आवंटित है, इसमें एक नंबर के आपको 6 प्रश्न, 2 नंबर के 2 प्रश्न आने, मतलब 4, इस तरीके से पूरा सेटअप दिया हुआ है। तो ये तो रहता है बच्चों नॉर्मल ब्लूप्रिंट। ये आप लोग जब अभी पेपर की तैयारी के लिए आप लोग गाइड वगैरह परचेस करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें से आप लोगों को क्या नहीं पढ़ना है। तो देखें आप लोग, क्षितिज भाग 2 है जो, उसमें आपको पार्ट 3 पायनी नुपुर डार द्रुम पल्ला और फटिक सिलानी ये छोड़ देना है, छाया मत छूना, कन्यादान, मानवी करुणा की दिव्य चमक, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, जाज पंचम की नाक और ऐठी थेयो, ये वाली ये पार्ट आप लोगों को छोड़ देने हैं। जितने भी लिखे हुए हैं इन पाठों को आप मत पढ़िएगा। जो भी आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं इनको आप लोगों को क्रॉस कर लेना है। तो आपकी जो बुक मिली होगी या जो भी आप के पास बुक है उसमें आपको इन अध्यायों को क्रॉस कर लेना है, क्योंकि इससे कोई भी पेपर में तिमाही में, हाफ ईयरली में और फाइनल एग्जाम में भी कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ये आपके सिलेबस हटा दिए गए हैं। बात करते हैं अंग्रेजी विषय की। तो देखिए इसमें आपको मालूम है अनसीन पैसेज। देखो बच्चों, जो आप दसवीं क्लास की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले अंग्रेजी में कुछ चीज़ें, जैसे कि आपकी TC की एप्लीकेशन हो गई, 3 डेज़ लीव की एप्लीकेशन हो गई, वंडर ऑफ साइंस का निबंध हो गया, ये कॉमन सी चीज़ है बच्चों, इनको आप लोग शुरू से ही पढ़ना प्रारंभ कर दें। ये तो आते ही आते हैं, इनमें कोई काट छाट नहीं की जाती, तो इनको आप लोगों को बहुत अच्छे से देख लेना है। तो ये पूरा प्रारूप आपके सामने प्रस्तुत है अंग्रेजी विषय का। फिर से मैं बोलूँगा, इसमें भी कोई काम की चीज़ ये है तो ये है बस। आप लोगों को द 100 ड्रेसेस चैप्टर 1, द 100 ड्रेसेस चैप्टर 2, फिर पोएट्री सेक्शन जो आपका उसमें एनिमल्स, फिर आपकी जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट वाला जो बुक है आपकी उसमें द हैग ड्राइवर, ये चैप्टर्स आपको छोड़ देने हैं, इससे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ये चैप्टर हटा दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं आपकी बुक से, वो भी कोविड को देखते हुए। इस साल भी बोर्ड ने थोड़ा सा अपने सिलेबस में चेंजेस किया है। अब बारी आई संस्कृत की, संस्कृत में देख लें। हाँ बच्चों, एक काम की और न्यूज़ आपको बता दूं कि आप लोगों की बेस्ट ऑफ 5 जो प्रोसेस थी इस साल शायद ख़त्म कर दी जाए। तो आपको सारे विषय पढ़ने पड़ेंगे और सभी विषयों में पास होना ज़रूरी है, इसलिए इस चक्कर में मत रहिएगा कि बेस्ट 5 का फ़ायदा होगा। संस्कृत में आप लोग देख लें बच्चों, तृतीय पाठ, दसम पाठ और एकादश पाठ, ये जो है 3 पाठ आप लोगों के हटा दिए गए हैं, तो इसमें से आप लोगों को कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ये शेमुखी जो आपकी बुक है उसमें से हटाए गए हैं, तो आप लोगों को इनको अपनी बुक में क्रॉस कर लेना है कि इससे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तो आपको कुछ नहीं पढ़ना है। बात करते हैं हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, सब्जेक्ट है जो आपका मैथमेटिक्स। सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों? क्योंकि बच्चे लगभग मैथमेटिक्स में थोड़े से कन्फ्यूज रहते हैं। तो इसमें किया ये गया है कि कई चैप्टर्स जो हैं बच्चों, उसके अध्याय तो नहीं हटाए गए हैं मगर उनके अंदर के पॉइंट हटा दिए गए हैं। जैसे चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं हैं जो, इसमें बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है वो हटा दिया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो उसमें जो आपकी एक्सरसाइज होगी जो उससे रिलेटेड, वो हटा दी गई है। तो उस प्रकार से आपके देख लें कि चैप्टर में आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए इनके पॉइंट आप बुक में देखिएगा, स्पष्ट लिखे हुए हैं, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि चैप्टर 1 से हटाया गया है पॉइंट नंबर 1.2 और 1.5, ये हटा दिया गया। बुक में आप देखिएगा चैप्टर दिए हुए हैं, तो प्रश्नावली की बात नहीं कर रहे, एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहे, ये चैप्टर की बात की जा रही है। तो 1.2 और 1.5, ऐसे अध्याय 2 से बच्चों 2.4, अध्याय 3 से 3.4.3, अध्याय 7 से 7.4, अध्याय 11 की बात की जाए तो टोटल अध्याय को ही हटा दिया गया है। तो आप लोगों को क्या करना है, एक्सरसाइज के चक्कर में मत पड़िएगा। जैसे आप अध्याय 7 की बात करें तो 7.4 प्रश्नावली हटा दी गई, तो वो हटाई प्रश्नावली नहीं हटाई गई है, 7.4 टॉपिक हटाया गया है। आप बुक में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अध्याय 13 से 13.4, 13.5 और अध्याय 14 से 14.5 हटा दिया गया है। तो इनको आप लोग बुक में क्रॉस कर लीजिएगा।
बारी आती है विज्ञान विषय की। तो विज्ञान विषय में आप लोग देखें बच्चों, जैसे पहला अध्याय है ये रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, इसमें 7 नंबर आवंटित हैं, 2 प्रश्न आने 1 नंबर के, 1 प्रश्न आना 2 नंबर का, 1 प्रश्न आना 3 नंबर का। बच्चों ब्लूप्रिंट से फ़ायदा ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि किस अध्याय में हमें ज़्यादा बड़े क्वेश्चन तैयार करने या छोटे क्वेश्चन तैयार करने। तो जैसे आप देखें कि अध्याय 1 में आपको ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, जबकि अध्याय 2 है अम्ल क्षार एवं लवण, इससे 4 नंबर का एक प्रश्न आना है। तो ये तो प्रश्न मैं अभी बता दूँ कि एक प्रश्न है अम्ल एवं क्षार में अंतर, ये जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये आपका पूछा ही जाता है। इसमें देखें आप अध्याय 10वीं में विज्ञान में क्या हटाया गया है, तो अध्याय 5 जो है इसमें पूरा अध्याय ही हटा दिया गया है, अध्याय 5, अध्याय 14 और अध्याय 16, ये टोटल अध्याय हटा दिए गए हैं। बारी आती है अध्याय 9 और 11 की, तो इसमें कुछ पॉइंट हटाए गए हैं, 9.3, 9.3.1, 9.3.2, ये पूरे लिखे हैं आपके सामने, इनको आप लोग देख लें। अध्याय 11 में आप लोगों को 11.6.3 ये पॉइंट हटाया गया है। तो आप बुक जब खोलेंगे अपनी, तो बुक में आप लोग मिला लें कि ये पॉइंट आपको नहीं पढ़ने हैं। मैं फिर से बता दूं, जो आपके चैप्टर हटा दिए गए हैं इनसे ना तो तिमाही में, ना तो अर्धवार्षिक में और वार्षिक में कहीं नहीं कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो ब्लूप्रिंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे, इसकी PDF भी मैं अवेलेबल करवा दूंगा आपको, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा आप लोग, वहाँ से इसकी PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा जो ब्लूप्रिंट मैं यहाँ आप लोगों को समझा रहा हूँ, इसकी PDF बना करके मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है, तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप जा करके वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ देख लें आप, सोशल साइंस की बात की जा रही है, तो सोशल साइंस बहुत लंबा टॉपिक है, देखिए कितने सारे चैप्टर्स हैं आपको, तो इनको पूरा आप लोगों को देख लेना है। इसमें भी कुछ टॉपिक जो हैं आपके हटा दिए गए हैं। सोशल साइंस बच्चों, सोशल साइंस में एक चीज़ बता दूँ आपको कि जितनी आपकी लिखने की प्रैक्टिस होगी, सोशल साइंस में टाइम कम रहता है और लिखना ज़्यादा रहता है, इसलिए आपको राइटिंग स्पीड अपनी, लिखने की गति बढ़ानी पड़ेगी। देखें इसमें क्या क्या हटाया गया है, अध्याय 1 जो संसाधन विकास से, पेज नंबर 12 भारत के पर्यावरण की दशा, अध्याय 2 जो है इसमें आप लोगों को देखें पेज नंबर 16, 17, 18, 19, 21 पूरा लिखा है कि कहाँ से क्या हटाया गया है। अध्याय 4 कृषि से पेज नंबर 47 में जो वैश्वीकरण के कृषि पर प्रभाव वो हटाया गया है। अध्याय 6 विनिर्माण उद्योग से पेज नंबर 68 में उद्योग दिया है वो हटाया गया है। पेज नंबर 69 से 75 में क्या क्या है सारा हटाया गया है, पूरा आपके सामने स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, तो आपको इसको देख लेना है। अब राजनीति विज्ञान वाला जो चैप्टर है, पोर्शन है, उसमें अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 8 ये पूरे हटा दिए गए हैं। अध्याय 4 में कुछ पॉइंट हटाए गए हैं, पेज नंबर के साथ पूरे लिखे हुए हैं। अब आपको एक चीज़ नोट करनी है इसमें कि जो आपका जैसे अर्थशास्त्र है, इसमें आप देखें अध्याय 5 उपभोक्ता अधिकार है, इस अध्याय से हटाया तो नहीं गया है, परंतु बच्चों इसमें क्या लिखा है, इस अध्याय से केवल प्रोजेक्ट कार्य दिया जाएगा, प्रश्न पत्र में इस अध्याय से कोई प्रश्न नहीं आएगा। तो जो आपके प्रोजेक्ट वर्क हैं इसका भी मैं वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा, आप लोग इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लें और अपने बुक में निशान लगा लें। बच्चों मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।